सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को राहत नहीं, सीबीआई रिमांड के खिलाफ अर्जी खारिज। सुप्रीम कोर्ट का मामले में फिलहाल दखल से इनकार, ट्रायल कोर्ट ही आगे की कार्रवाई करेगा। पी चिदंबरम की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में भी पेशी, 5 दिन की सीबीआई रिमांड आज खत्म। चिदंबरम पर शिकंजा कसने की तैयारी में केस में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। पी चिदंबरम पर फर्जी कंपनी बनाने का आरोप, हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है ईडी। कश्मीर पर बौखलाए पाकिस्तान के रेल मंत्री, शेख राशिद ने दी युद्ध की गीदड़ भभकी, बोले उपमहाद्वीप का बदल जाएगा नक्शा। कश्मीर पर क्रिकेटर जावेद मियांदाद की सियासत, बॉक्सर आमिर खान के साथ पहुंचे एलओसी के करीब। कश्मीर पर मोदी सरकार को मिला मायावती का साथ, अनुच्छेद 370 हटाए जाने का समर्थन, विपक्षी पार्टियों के कश्मीर जाने की कोशिशों को भी बताया गलत। मायावती ने कहा अंबेडकर भी थे कश्मीर में 370 के खिलाफ, कश्मीर पर राजनीति का किया विरोध। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पर हमला, बोले बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं मलिक। अनुच्छेद 370 हटने और अमरनाथ यात्रा बंद होने के बाद पहली बार पहलगाम पहुंचा आज तक अमरनाथ और आसपास के इलाकों में पसरा सन्नाटा। जनता ने सरकार से की फरियाद, जल्द सामान्य करे हालात, रोजी रोटी पर संकट। जम्मू में आज सोमवार को फिर खुले स्कूल कॉलेज, छात्रों की दिखी भीड़। श्रीनगर के लाल चौक पर हालात धीरे धीरे हो रहे हैं सामान्य, हटाए गए बैरिकेड। अगले साल तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव मुश्किल, परिसीमन को लेकर नए सिरे से तैयार करने में लगेगा वक्त। 27 अगस्त को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाएगा केंद्र का डेलीगेशन। 370 पर जल्द सुनवाई से कोर्ट ने किया इंकार, वक्त के हिसाब से होगी सुनवाई। फ्रांस में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में आज भारत के लिए बेहद अहम दिन, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद पहली बार ट्रंप और मोदी के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। 4:15 होगी पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता, कश्मीर पर खुद ट्रंप ने मध्यस्थता का जताया था इरादा। ब्यारिट्ज में पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन से होगी मुलाकात, होटल ड्यू पैलेस में मिलेंगे मोदी और मैक्रॉन। पीएम मोदी 11:00 G7 में जैव विविधता और जलवायु पर चर्चा में लेंगे हिस्सा। गृहमंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक, दिल्ली के विज्ञान भवन में मंथन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक से किया किनारा, नहीं हुई शामिल। 7 राज्यों की मुख्यमंत्री बैठक में शामिल, 2 चरण में बैठक। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटी, मिलेगा Z+ कवर। जाकिर नाइक पर सख्त मलेशिया की सरकार, मलेशिया के होम मिनिस्टर का बयान, कोई भी कानून के ऊपर नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की अस्थियों का आज हरिद्वार में विसर्जन। आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जल्द एक्शन के लिए ईडी और दिल्ली पुलिस के ऑडिटर्स रिपोर्ट की कॉपी देने को कहा। कोर्ट ने एनबीसीसी के लिए फंड रिलीज करने का दिया आदेश। भ्रष्टाचार पर सरकार की चोट, सीबीआईसी के 22 अफसरों को जबरन किया रिटायर। मां और नवजात बच्चों को यूपी सरकार का तोहफा, जल्द ही विशेष सुविधाओं से लैस 219 बसें होंगी शुरू। तमिलनाडु के नागापट्टनम में अंबेडकर प्रतिमा तोड़े जाने पर दो पक्षों में झड़प, गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में लगाई आग, तनाव को देखते हुए 400 पुलिस जवानों की तैनाती। कोयंबटूर में भी दिखा गुस्सा, लोगों ने बसों पर की पत्थरबाजी। मुजफ्फरपुर में छापेमारी करने गई पुलिस, गांव वालों को घेरा, परेशान करने का लगाया आरोप, वीडियो वायरल। अमृतसर में नशे से पीड़ित लड़की को घर वालों ने जंजीरों से बांधा, नशे के लिए बेच देती थी घर का सामान। तेलंगाना के निजामाबाद में देशद्रोही उपद्रवियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को पहुंचाया नुकसान, पाकिस्तान के पक्ष में की नारेबाजी। खंडवा में मिड डे मील में मिलावट की शिकायत, खाने में जानवर की चर्बी मिलाने का आरोप। सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी में तनाव, वीएचपी की रैली के बाद पथराव, धारा 144 लागू। दिल्ली की तिहाड़ जेल में अजीबोगरीब मामला, कैदी के पेट से निकला चाइनीज मोबाइल। प्रयागराज में मनचलों से परेशान छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ा, हरकत में आई पुलिस।
राजस्थान की पाली में जन्माष्टमी के जश्न के बीच महिला चोर ने 20 मिनट में उड़ाई सोने की चार चेन, सीसीटीवी में कैद वारदात। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किनारे बैठे भेड़ों के झुंड को ट्रक ने कुचला, 50 से ज्यादा भेड़ की मौत। एटा में बच्चा चोरी के शक में महिला की जमकर पिटाई। आजमगढ़ में दुकान की छत पर चढ़ा सांड, मचा हड़कंप। वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पर बीच सड़क पर 12 फीट लंबा दिखा अजगर, लगा जाम। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम शिवराज के ट्वीट से गरमाई सियासत, लिखा शेखियां बघाड़ने से काम नहीं होता, अब तो समझ जाइए सरकार जागे और बेटियों से किया वादा पूरा करे। ग्रेटर नोएडा कासना इंडस्ट्रियल एरिया में तेल के गोदाम में लगी भीषण आग। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, पटना स्थित बेउर जेल भेजा गया। कानपुर में 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक पर साथ जा रहे दो साथियों पर है आरोप। हत्या के बाद बाइक छोड़कर भागते दो संदिग्धों की सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। उत्तराखंड के बागेश्वर में तेंदुए ने घर में घुसकर पालतू कुत्ते का किया शिकार। अकोला में फसल बचाने की चाहत में किसी ने खो दी अपनी जान, कीटनाशक के छिड़काव के दौरान पॉइजनिंग का शिकार। पंजाब के कपूरथला में बाढ़ राहत सामग्री को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, फायरिंग में 8 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में एक युवक पर 10 साल की अपनी साली से रेप का लगा आरोप। रतलाम में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस को एक सरपंच की गाड़ी से मिली 4 पिस्टल। चमोली जिले में नेशनल हाईवे 58 पर लैंडस्लाइड, बद्रीकुंड बद्रीनाथ हेमकुंड यात्रा बंद। हल्द्वानी में अचानक पहाड़ी नदी में बढ़ा पानी, सैलाब में फंसे 2 लोग। एमपी के सागर में भारी बारिश, रायसेन में भारी बारिश की वजह से पग्नेश्वर पुल पर 15 फीट चढ़ा बरसाती पानी। हरदा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, खतरे के निशान से ऊपर नर्मदा। लामबगड़ में बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन की मुसीबत, पैदल यात्रा करने को मजबूर यात्री। भोपाल में NH-12 पर बह रहा है दरिया, NH-12 पर बह रहे 5 फीट तक की जलधारा, जोखिम उठाकर गाड़ियां पार करते दिखे लोग। विदिशा के सिरोंज इलाके में भारी बारिश से ढहा मकान, मलबे में दबकर पिता की मौत, घायल बेटे को घाट पर पार कराया गया अस्पताल। भारी बारिश के बाद पानी पानी हुआ मुरादाबाद। राजौरी में पलटी बस, हादसे में 7 लोगों की मौत, 25 यात्री घायल। झारखंड के कोडरमा में एक महिला से बर्बरता, भतीजे पर रेप का आरोप लगाने के बाद गांव की महिलाओं ने पीड़िता के ही काटे बाल। भुवनेश्वर में ऑटो में हुआ धमाका, ड्राइवर घायल। प्रयागराज में नए SSP सत्यार्थ पंकज ने पुलिसकर्मियों के लिए सुरक्षा का वादा। वाराणसी में पुलिस ने बच्चों से साफ कराई पुलिस चौकी। यूपी के कासगंज में दारोगा देवी सिंह ने की खुदकुशी, सर्विस पिस्टल से मारी गोली। सुपौल में फिर सामने आया भीड़ तंत्र का क्रूर चेहरा, प्रेमी जोड़े को बांधकर पीटा गया। दंतेवाड़ा में 8 लाख के इनामी नक्सली ने डाले हथियार, सरेंडर कर आम जिंदगी जीने की जताई इच्छा। प्रयागराज में उफनते दरिया में सेल्फी लेना एक युवक को पड़ा महंगा। बर्दवान में 3 बदमाश गिरफ्तार, दुकानों पर बमबाजी कर कारोबारियों से वसूलते थे पैसा। सोनीपत में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी, परिवार वालों की शादी के लिए राजी न होने पर उठाया कदम। बाराबंकी में युवक को बुरी तरह पीटा, साइकिल चोरी का आरोप। आजमगढ़ में बिजली विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, चोरी से बिजली कनेक्शन के लिए लोगों की धरपकड़। मेरठ में युवक को पीट पीट कर किया अधमरा। ग्रेटर नोएडा में देर रात बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारी गई, 4 अज्ञात बदमाश, तलाश में जुटी पुलिस। सीरीज के पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को बुरी तरह दी शिकस्त, 318 रन से हराया। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को दिया था 419 रन का लक्ष्य, दूसरी पारी में वेस्ट इंडीज की टीम 100 रन पर हुई ढेर। वेस्ट इंडीज के 8 बल्लेबाज दहाई तक भी नहीं पहुंचे, रोच ने बनाए सबसे ज्यादा 38 रन। दूसरी पारी में बुमराह ने की तूफानी गेंदबाजी, 8 ओवर में महज 7 रन देकर 5 विकेट झटके। ईशांत शर्मा ने दूसरी पारी में 3 विकेट झटके, मोहम्मद शमी को मिले 2 विकेट। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद सिंधु की जीत का बधाइयों का लगा तांता, मोदी अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने दी बधाई। सिंधु की जीत पर हैदराबाद में जश्न में डूबा परिवार, बेटी की खुशी में भावुक हुई मां, कल था सिंधु की मां का जन्मदिन। Normally they used to play almost 1.5 or 2 hours matches, but Sindhu today was fantastic. जीत की बात बोली सिंधु, पिछले 2 फाइनल में मिली हार के बाद अहम है ये जीत, देश के लिए खिताब जीतना गर्व की बात।
भारतीय बैडमिंटन संघ ने किया सिंधु को 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। बीआई अध्यक्ष हेमंत बिस्व शर्मा ने की घोषणा। मुंबई में फिल्मी सितारों का चैरिटी मैच, रणबीर कपूर अर्जुन कपूर समेत कई बॉलीवुड सितारों ने लिया हिस्सा। लैक्मे फैशन वीक में फिल्मी सितारों की धूम, कंगना रनौत और शिल्पा शेट्टी ने बिखेरे जलवे। ट्रोल हुई जानवी कपूर, ट्रोलर्स ने की जमकर खिंचाई।